भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों के परस्पर रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसका असर पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण यहां के छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तो कनाडा के लिए आप कनाडा को छोड़ के यूके शिफ्ट होना चाहते हो, क्यों ऐसा? सर, क्योंकि यूके जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दे रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छी है मेरे हिसाब से यूके की, और फैसिलिटीज भी बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्पफुल भी है क्योंकि वहाँ के नेटिव बहुत अच्छे हैं, तो मैंने यूके ज़्यादा प्रेफर किया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। ज़्यादातर भारत सरकार और कनाडा में आपकी तनाव कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? सर, उससे उसको मैं मतलब सही देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट भी बोर्ड कर रहे हैं वो, तो मैं इससे कई परिवारों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है भी, वो मतलब उसको देख रहे क्योंकि हर एक व्यक्ति 20-22 लाख लगा कर जाते तो वो डिपोर्ट होने नहीं जाता, तो मैं ये सोचता हूँ कि इससे बेटर तो यूके जाना बढ़िया, वो डिपोर्ट नहीं करते, स्टूडेंट को बढ़िया मायने में रखते हैं। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है सर, तो मैंने ये सोचा कि यूके बेटर होने में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है जॉब की, और मतलब कोर्स फैसिलिटी बढ़िया, वैसे भी कैंपस एनवायरमेंट भी बढ़िया, सो मैंने यूके इसलिए प्रेफर किया, और उनका भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कनाडा घूमना भी, उसे मुझे यूके ऐसा अच्छा लगता है, तो मैंने कनाडा यूके का तनाव चूज किया, इसके जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कनाडा जाने को लेकर बहुत सारे लोग जो है कनाडा की तरफ ना जाने की बजाय अन्य कंट्रीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देश के जो हालात है उसको लेकर आप क्या? एक्चुअली पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती रहती हैं, बट जो अभी सिचुएशन जॉब्स की चल रही है वहाँ पे अगर आपके पास अच्छे रेफरेंसेस हैं और कनेक्शंस हैं तो आपको जॉब अच्छी मिल जाती हैं, एंड आप फोकस करें कि आप कनेक्शंस और रेफरेंसेस अच्छे बनाएं। अभी आप कनाडा ही क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं वो बाकी कंट्रीज से बेटर हैं, एंड इवन जो फाइनेंशियल फंडिंग रहती है पीआर के टाइम पे वो कम है, और पेरेंट्स को भी उसके बाद वहाँ पे सेटल होने की ऑप्शन है। हिंदुस्तान के कनाडा गवर्नमेंट के साथ जो स्टूडेंट के नवी रूल को लेकर काफ़ी एक दूसरे को अनबन है, इसको कैसे देखते हो? मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, जैसे पहले हिंदुस्तानी लोगों ने क्या किया कि बहुत कि कनाडा की सारे बाहर जा रहे तो हम भी बाहर जाएं, वहाँ बहुत पैसे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, बट लोग ये नहीं देखे कि वहाँ बहुत ही छोटी छोटी जॉब्स हैं, आप जैसे ही बाहर जाओगे आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, आपको पहले बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो लोगों को वो स्ट्रगल करें, पर अब जैसे कनाडा के पास अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, उनके पास इतने लोग चले गए और मोस्टली इंडिया का इतना बच्चा चला गया कि उनके पास जॉब वहाँ पे बहुत कम हो चुकी, तो इसलिए वो रूल्स लागू कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को भी बचा पाए। स्टूडेंट की बात करें कि क्योंकि क्रेज है कि कनाडा में जाने का पंजाब में काफ़ी लोगों का, लेकिन अब बात करें कि जिस तरीके से नए गवर्नमेंट के रूल हैं कनाडा के गवर्नमेंट की तरफ से, स्टूडेंट को लगता नहीं मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि फीस भी ज़्यादा है, तो उसके अलावा कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे कनाडा के हालात? कनाडा के अलावा जर्मनी या फ्रांस जाएं तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं और वहाँ पे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक वो उस कंट्रीज को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है।